हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रेस ऑफ अरोमा। सो दिस इज सुफियान फ्रॉम सेरिश परफ्यूम और हम लोग बात कर रहे थे समथिंग बेटर देन चैरिटी। तो समथिंग बेटर देन चैरिटी ये क्या है? पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर किया था और हम लोग रुके हुए थे इस बात पे कि समथिंग बेटर देन चैरिटी। चैरिटी करना सबको अच्छा लगता है और चैरिटी करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन, जो भी जितने भी धर्म हैं पूरी दुनिया में, ये हर जगह है कि लोगों की मदद करो, किसी के लिए खड़े हो जाओ, किसी के लिए काम आ जाओ, चैरिटी करो, भूखे को खाना खिलाओ। ये सबसे बड़ा सवाब है, सबसे बड़ा काम है, बहुत पुण्य का काम है। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं, हम जिसको चैरिटी दे रहे हैं, क्या उसके लिए ऐसा कुछ कर दे कि वो इतना अपने पैरों पर खड़ा हो जाए कि वो अपने खुद के बलबूते पे कुछ करे और खुद अपने आप की मदद कर सके? तो यस, ये हमारा पॉइंट है, समथिंग बेटर देन चैरिटी। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो किसी के लिए। अब दुनिया में 10 लोग हमें मिलते हैं, 100 लोग है, हजारों लोग है जिनकी हजारों मजबूरियां है। हम सबके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले ने सबको एक जितनी एक हिम्मत दिया है, एक जितना हमसे हो सकता है हम कर सकते हैं। तो हजारों लोगों के लिए हम, मैं नहीं बोलता हूं कि आप सबको ऐसा कुछ करके दे दो कि वो अपने लिए कुछ कर सके, वो खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए। तो हमसे जो बनता है हम कर देते हैं। लेकिन हमारे कुछ करीबी लोग हैं, कुछ हमारे दोस्त है, कुछ हमारे भाई है, कुछ हमारे आसपास वाले हैं, एतराफ वाले हैं, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, रोज मिलते हैं। मुझे पता है कि यार ये मेरा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसकी माली हालत ठीक नहीं है, इसके घर में ये प्रॉब्लम्स है। मैं क्या करता हूं? ले भाई कुछ जरूरत है, ले भाई कुछ जरूरत है, ये रख भाई, ये रख, मैं उसको दे देता हूं। हमने दे दिया, मैं या आप, हमने दे दिया, ठीक है, हम उसे दे रहे हैं। उसकी मजबूरी वही के वही है, वो बेचारा मजबूर का मजबूर ही है, और हम देते जा रहे हैं, वो बेचारा मजबूरी में लेते जा रहा है। तो क्या कभी हमने ये सोचा कि कुछ ऐसा करें कि उसकी मजबूरी कम हो, वो मजबूरी उससे दूर हो, वो जो मजबूरी की हालत में है वो अपने आप को मजबूरी से हटाए, वो तकलीफ उससे हटे और वो खुद के लिए कुछ कर सके? हम ये नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, समथिंग इज समथिंग बेटर देन चैरिटी। तो अभी मैं आपको ये चीज एक छोटा सा एग्जांपल देके, एक मिसाल देके समझाऊंगा, शॉर्ट में मैं बताऊंगा। मेरे जिम ट्रेनर है मिस्टर नितिन सर हम जिनको बोलते हैं। तो नितिन सर, मैं वर्कआउट कर रहा था एक बार, मेरे साथ थे वो, उनको एक कॉल आया किसी लेडी का। अब वो लेडी फोन पे अपनी परेशानी बता रहे थे, ये बेचारे खुद भी जॉब पे थे तो ये भी बोल रहे थे कि यार मैं जरा बाद में कॉल करता हूँ, मैं समझ गया, ठीक है, मैं उसको समझाता हूँ, मैं उसको बताता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ, अब क्या करेंगे, उसकी ये पीने की आदत जाती नहीं है, क्या कर सकते हैं। इतना मैंने सुना, इतना सुन के समझ में आया कि यार कोई तो कंप्लेंट कर रही है अपने हस्बैंड या भाई या बेटे के बारे में कोई लेडी, कि यार ये पीना करना छोड़ता नहीं है, उसको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। नितिन सर भी वही उनसे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हो गया कि बाहर मैं निकला, नितिन सर का भी ब्रेक हुआ, वो भी बाहर आए, तो मैं बोला सर क्या हुआ, सब ठीक? तो उन्होंने बताया कि यार मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा, आज नितिन सर की उम्र ही मैं समझता हूँ 45-46 के आसपास होगी। तो बोले मेरा एक बचपन का दोस्त है यार सुफियान भाई, और बोले वो रहता भी मेरे एरिया में ही है, 2-3 बिल्डिंग बाजू में ही रहता है मेरे, वहाँ से यार घर वालों को परेशान करके रख दिया उसने। बोला सर क्या हो गया? अरे यार बोले वो घर वालों को इतना परेशान कर दिया है, उसके घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, उसकी बीवी माँ सब मेरे को कॉल करते हैं, अब मेरे से जो बन पड़ पाता है मैं कर देता हूँ, अब वो बार बार कॉल करते हैं, यार मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही बात। ना सर ठीक है, बोला आपसे जो हो सकता है आप करते रहो, उसका तो आपको ऊपर वाला फल देगा, आप नेकी करो, दरिया में डालो, ऊपर वाला देख रहा है सर आप जो कर रहे हो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आपसे जो बन पड़ता है करो, अब डिटेल मुझे मालूम नहीं, मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बस आपसे जो होता है आप करो अपने हिसाब से, ऊपर वाला उसका फल आपको देगा। हाँ यार बोले सर ने बोले हाँ यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, मैं क्या करूँ यार, मैं उससे उसको इतना समझाता हूँ, इतना बोलता हूँ, कुछ काम काज कर, जॉब पे भी मैं उसको 2-3 बार मैंने लगाया था, मगर वो भी उससे होता नहीं है, टाइम पे पहुंच नहीं पाता है, जा नहीं पाता है, बॉडी में भी अब उसकी वैसी ताकत नहीं रही है, अब मैं क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आता है। मैंने बोला ठीक है सर, जैसे तैसे जो भी है देखो, ऊपर वाला उनका भी भला करे, ये उनकी आदत छुड़वा दे और वो लाइन पे आ जाए, घर वालों को प्रॉब्लम नहीं दे, घर वालों को सपोर्ट करे। उन्होंने बोले ठीक है। तो बस ये बात हमारी वहाँ एंड हो गई।
अब 3-4 दिन बाद नितिन सर का मुझे कॉल आता है डे टाइम पे। अरे बोले सुफियान सर कहाँ हो? बोला सर मैं तो अपने कामकाज में था, शॉप पे था, अगरबत्तियाँ बेच रहा हूँ। तो बोले कि यार एक काम है आपसे, बहुत ज़रूरी काम है। मैं बोलो सर हुकुम करो। बोले यार प्लीज़ मिलो मुझे। तो बोला ठीक है सर, कहाँ मिलना है, अभी मिलना है या जिम में? बोले यार जिम में बात नहीं कर पाएंगे, आप कोशिश करो कि, अच्छा एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को कि थोड़ा टाइम हो गया है मुझे जिम छोड़ के, तो मैं थोड़ा सा अदरवाइज पहले की फ़ोटोज़ मौका बना कभी शेयर करूँगा मैं। सो आई वॉज वेरी गुड इन जिम बट ड्यू टू थोड़ा बहुत टाइम वगैरह के हिसाब से, मगर हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं फिर से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। नितिन सर के ही कॉल्स आ रहे हैं बार बार कि यार प्लीज़ जिम आओ। तो खैर टॉपिक पर आते हैं, तो नितिन सर ने बोला नहीं यार जिम में तो बात नहीं हो पाएंगे, काम करो आपकी शॉप कहाँ है, वो नज़दीक में ही रहते हैं, मैं आपसे आके मिलता हूँ। तो वो मेरी शॉप पर है, उन्होंने मेरा शॉप देखा। अब सडनली वो मेरे प्रोडक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे, यार ये क्या भाव है, यार ये रोज़ा क्या भाव है, यार ये मस्कमेलन का क्या है, यार ये पाइनएप्पल का क्या है, यार ये ऊद का क्या सिस्टम है, यार ये चंदन क्या है, चंदन में सैंडल क्या है, वाइट चंदन क्या है, और ये चंदन ब्लैक बत्ती में क्या है, अलग अलग सवाल करने लगे। मैंने बोला सर क्या हुआ, अगरबत्ती चाहिए? तो बोले यार सुफियान सर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या इसमें? इतना ब्रिलियंट वो बंदे ने आइडिया दिया, ही इज ए जिम ट्रेनर, मगर मैं उनको सैल्यूट करूंगा, मैं उनके लिए क्लैप करूंगा। इतना अच्छा आइडिया उनके दिमाग में आया कि वो आइडिया के बलबूते पे, वो आइडिया के बेसिस पे उन्होंने इतना कमाल कर दिया कि जो बंदा ड्रिंकर था उनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम का भी हल निकला है, कम हो गई है पहले से, और वो बंदा आज खुद के पैर पे खड़ा हो गया है, खुद छोटा मोटा थोड़ा बहुत जैसे भी है अर्न कर रहा है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और अपना घर वो खुद चला रहा है। तो नितिन सर ने क्या किया, नितिन सर ने मेरे को बोला यार देखो मेरे पास है ना कुछ सेविंग्स है, थोड़े बहुत पैसे मेरे पास मतलब अभी है जो मैं चाहता हूं कि किसी के काम आ जाए, सेविंग्स नहीं बोल सकते, कुछ पैसे ऐसे जो किसी के काम आ जाए, तो यार मैं सोच रहा हूं कि आपकी दुकान से माल लूं, माल लेके वो बंदे को दूं कि देख भाई तेरे पे कोई पाबंदी नहीं है कि सुबह इतने बजे जॉब पे जाना है, रात में इतने बजे जॉब से आना है, तो अपने हिसाब से अपने घर से उतर, एक बैग ले, बैग लेके उतर, जगह जगह जा, हमारी एरिया में बहुत से टेम्पल्स है, मस्जिद्स है, मंदिर्स है, दरगाह है, बहुत सी रिलीजियस प्लेसेस है, किराना स्टोर्स है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ अगरबत्तियाँ बिकती है, लोग शौक से लेते हैं, तो तू वहाँ जाके सैंपल कर, सैंपलिंग दे, और लोगों से उनको अप्रोच करके अगरबत्ती ले, और तू थोड़ा बहुत दो पैसा कमा। उसमें क्या होगा, वो बिजी हो जाएगा, नितिन सर ने मुझे बोला कि उसमें क्या होगा कि वो बंदा बिजी हो जाएगा, हाथ पैर चलाएंगा, थोड़ा सा टाइम सही जगह देंगे तो रात में जल्दी घर आएगा, थकेंगे, पीने पाने से थोड़ा दूर कोशिश करेंगे हो जाए वो, दूसरा यार दो पैसा कुछ तो कमाएगा, इतने सालों से कुछ कमाया नहीं है, बीवी सही, बीवी भी हाथ पैर मार के यहाँ वहाँ से पैसे ला रही है, माँ बूढ़ी बिचारी यहाँ वहाँ से ला रही है, वो उनके पैसे भी ले लेता है, तो अब यार कोशिश करता हूँ यार मैं कुछ। तो नितिन सर ने अपने एक दोस्त के लिए जो किया, उसको बोलते सच्ची बात में, उसको बोलते सही लफ्जों में बोलते दोस्ती निभाना। आज की तारीख में इतना अपने दोस्त के लिए कोई नहीं सोचता है, अगर कोई सोचता है तो आपको सैल्यूट है, और ये हमारा फर्ज है, हमको हमारा फर्ज समझ के सोचना है हमारे दोस्त के लिए, पड़ोसियों के लिए, आसपास वालों के लिए। नितिन सर ने बोला यार इसमें हेल्प आउट करो। मतलब सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव लेके आए आपने, बहुत अच्छी बात है, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोले मेरे पास एक 8-10 हज़ार रुपये है, 8-10 हज़ार में आप कुछ माल दे दो, मुझे बता दो किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, और इसको कैसे बेच सकते हैं, इसमें क्या मार्जिन ले सकते हैं, कैसे अप्रोच दे सकते हैं, तो मैं वो बंदे को बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो कुछ कर सके। अब इसके बाद में बहुत लंबा प्रोसेस हुआ, मैं तो यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा। नितिन सर ने मुझसे माल लिए, मैंने उनको ब्लैक में कुछ दिया, 220 की रेंज में कुछ दिया, 350 की रेंज में कुछ दिया, 350 तक का ही मैंने माल दिया, उसके ऊपर मैंने उनको मना किया फिलहाल के लिए आप मत करो, इतना ही उनको आप पहला दो। तो तकरीबन 10 हज़ार रुपये में नितिन सर ने मेरे से कुछ 30 या 28 किलो के आसपास माल एट अ टाइम लिए। अब बार बार उन्होंने कॉल भी किया मुझे, अलग अलग क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते थे, मुझे कॉल किया, मैंने बताया सर ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे उनको ऐसे बोलो, उनको वैसे बोलो, उनको फिर नितिन सर ने टाइम दिया। सबसे मेन बात है कि उनके पीछे उन्होंने टाइम दिया, बैठ के वो उन्हें समझाने लगे, हर अगरबत्ती को जला के उन्होंने उसको फ्रेग्रेंस बताया कि यार ये जाके तेरे को आगे बोलना रहेगा, बताना रहेगा, सैम्पलिंग करना रहेगा, तो ये तू देख ले क्या है इसमें और क्या नहीं है, टाइम दिया उनको, पूरा बताया सिखाया। फिर वो बंदे के पीछे थोड़ा मेहनत किया, नितिन सर ने उनको डेटा दिया, देख तू यहाँ जा,
अब नितिन सर भी बेचारा नॉर्मल पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने देखो ना, उसने अच्छा सोचा तो ऊपर वाले ने उसकी मदद भी कैसे किया नितिन सर की। तो नितिन सर ने उसको बताया कि तू ये एरिया में जा, यहाँ जा, यहाँ जा, देख यहाँ पे जा, यहाँ पे इससे मिल, ये दुकान में जा, ये कर वो कर। वो बंदे ने एक बैग लिया, वो अपने टाइम से अपने घर से निकलता था, क्योंकि उनकी बॉडी में भी उनकी भी मजबूरी थी, नितिन सर के दोस्त की इतनी ताकत नहीं थी, इतना दिमाग नहीं चलता था, ऊपर वाला बचाया सबको इससे। तो वो बेचारा अपने टाइम से अपनी बैग लेके निकलता था और जा जाके लोगों को सैम्पलिंग करने लगा। 25 दिन में या 20 दिन में नितिन सर का कॉल आया, सुफियान सर कहाँ हो? बोला सर बस आऊँगा शाम में जिम। बोले जिम, आपके लिए गुड न्यूज़ है। बोला अच्छी बात है, ठीक है आता हूँ। मैं जिम गया तो सर ने बोला, बोले वो माल पूरा 30 किलो माल उन्होंने बेच डाला। अरे बोला सर क्या बात है, और इसके बारे में कुछ? तो उन्होंने बताया कि यार बेचा अच्छे से ये माल के सामने, उसने 4,000 रुपये के आसपास बनाया और पूरा माल बेच दिया और मेरे पैसे भी मुझे रिटर्न दे दिया, और अब उसको इंटरेस्ट आ गया है, अब उसको मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। तो मैंने और एक दो लोगों से बात किया, जैसे आपका अगरबत्ती का काम है, वैसे एक दो लोग हैं जिनका किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, तो मैंने उनसे बात किया हूँ कि यार ये बंदा है, ये सैम्पलिंग करेगा, आप लोग थोड़ा सा बस सपोर्ट करो तो ये बंदा करेगा, कोशिश करेगा। तो वो 10,000 जो मेरे को उसने दिया, मैंने उसको वापस दिया, और मैं उसको बोला कि बता अब तुझे क्या करना है। तो उसने बोला कि मुझे अगरबत्ती का और माल चाहिए, लो ये 4,000 जो मैंने कमाया हूँ ये भी ले लो। अब वो बंदा और नितिन सर दोनों मेरी दुकान पे आए, उन्होंने 14,000 रुपये का माल लिया, फिर बेच दिया। थोड़े दिन बाद फिर आए, अब जो बेचा 14,000 का माल, वो स्पीड ज़्यादा थी, पहला माल बिका 20-25 दिन में, ये बिका 15 दिन में। फिर आए, फिर माल लिए, फिर आए, फिर माल लिए, 5-6 बार नितिन सर उनके साथ में आए। आज की तारीख में वो बंदा, वो भाई हमारी दुकान पे अकेले खुद आते हैं, हमारे कारखाने पे आते हैं, पैसा देते हैं, खुद डील करते हैं अपने हिसाब से, रोज़ा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, पाइनएप्पल दे दो, खुद अपने हिसाब से जो है माल बराबर लेते हैं। कस्टमर्स को कॉल करते, आपको कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए, पैकिंग वगैरह वो निकाल देते हैं, वो करते हैं अपने हिसाब से, हमसे माल ले रहे हैं, वो जाके लोगों को दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं और दो पैसा कमा रहे हैं। कम तो कम सही, मगर एक इंसान जो घर बैठा था अपने आप को बैठे बैठे डिस्ट्रॉय कर रहा था, आज वो उतर गया मैदान में और खुद के दम पे दो पैसे कमा के ला रहे हैं। नितिन सर इज लाइक के यार, उसके घर वाले, उसकी वाइफ मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं, मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं, मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया आज तक, दुआ तब भी दिए, लेकिन इतनी दुआ जो अब दे रहे हैं वो तब नहीं दिए। क्यों? नितिन सर ने क्या किए, वो उस आदमी को इस काबिल बना दिए कि अब वो खुद की मदद कर सकता है, इस काबिल बना दिए उसे। वो बंदा माइनस में था, जीरो तो छोड़ दो, माइनस में था, आज वो महीने का 8-10,000-12,000 कम टाइम में काम करके जो भी है कमा रहा है। तो मेरा मेन बोलने का मोटिव ये है कि नितिन सर ने क्या किया, उसको इस काबिल बना दिया। पहले क्या करता था, जब जरूरत होती थी दे देता था, लेकिन आदत भी नहीं छूटती थी और पैसे पाने भी नहीं होते थे। अब क्या हो गया, वो बंदे में खुद में इंटरेस्ट आ गया, नितिन सर ने दिमाग चलाया, उसके दिमाग में ऊपर वाले ने डाला, वो आया मेरे पास, मेरे से बात किया और उसने इस तरीके से चक्कर चलाया कि वो बंदा खुद इंटरेस्ट से अब मार्केट में जा रहा है, मैदान में उतर रहा है, लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहा है, सैंपल दिखा रहा है। हमारे प्रोडक्ट तो अच्छे ही है, चलो उसने जहां दिखाया लोगों ने पसंद किया, लेकिन मेहनत किया। आज मार्केट में जो एक इंसान जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो मार्केट में अगर जाके लोगों को सैंपल दिखा के अगर प्रोडक्ट बेच रहा है, तो यानी वो खुद भी टैलेंटेड है, और उसके टैलेंट को देखा नितिन सर ने, तो नितिन सर ने ये बहुत अच्छा काम किया। नितिन सर ने क्या किया, समथिंग बेटर देन चैरिटी। तो मेरा यही पॉइंट है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैरिटी हम लोग दे देते हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हमारा खास है, कोई हमारा आसपास वाला, हमारे आस पड़ोस वाला, हमारा दोस्त जिसको हम अच्छे से जानते हैं, उसको तकलीफ में हम देख रहे हैं, तो हम जो उसको बार बार पैसे दे देते हैं ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, टेम्पररी हेल्प कर रहे हैं उसकी, मगर उसकी मजबूरियां वहीं के वहीं हैं, वो बेचारा मजबूर का मजबूर ही है। तो हमें उसके लिए ऐसा कुछ रास्ता निकालना है कि वो खुद के लिए कुछ कर सके, वो खुद के दम पे खड़ा हो सके। अगर ऊपर वाले ने उसको हाथ पैर सलामत दिए है, ऐसा कुछ केस नितिन सर के दोस्त के जैसा है, तो बंदा खुद ही आ रहा है, माल ले रहा है, कितना जब भी वो आ रहे हैं, वो अपने माल के अंदर में इंक्रीमेंट, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज ही कर रहे हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि कम हुई, वो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज ही कर रहे हैं।
तो अब अगरबत्ती, हम जो है, मैं यहां हूं और जो ज्यादातर लोग मुझे देख रहे हैं वो अगरबत्ती इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। भले आप मुझसे माल ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, लेकिन अगर आपके आसपास में ऐसा कोई गरीब बेचारा कोई है जिसकी आप मदद करना चाहते हो, आप करते भी हो, लेकिन मजबूरी उनकी आप नहीं खत्म कर रहे हो, आप उन्हें टेम्पररी दे रहे हो, वो बेचारा वहीं के वहीं है, तो उससे बात करो, उसको समझाओ, उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि देख भाई मैं तेरे को कुछ माल दूंगा जिसका पैसा तू बेचने के बाद मुझे वापस देगा, तेरे पे मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, अब ये समझ ले तेरे पे मेरा उधार है, अब ये माल तेरे को बेचना है, बेचने के बाद में जो मुनाफा होगा वो तेरा, मेरा जो मुद्दल था वो तू मुझे दे देगा। तो आप उसको एक 15-20 किलो 25 किलो माल दो, उसको सैंपल्स दो, उसको भेजो जगहों पे, उसको दूसरी जगहों पे भेजो, मार्केट में भेजो जहां पे हमारा काम होता है, हम अगरबत्ती की दुकानें हैं जहां पे अगरबत्ती का खुशबू का माल बिकता है, उसको वहां पे आप भेजो, उसको सिखाओ कि भाई तू जा सैंपल्स दे, दिन में 3-4 घंटा काम कर ले, मगर मेहरबानी करके कर, देखो वो माल बिकेगा, वो बेचेगा, वो इस काबिल बनेगा कि 2 पैसा खुद कमा पाएगा, और जो उसके घर वालों की जो दुआ निकलेगी आपके लिए, आप सोच नहीं सकते हो आप कहां से कहां जाओगे, क्योंकि देने वाली जात तो उसकी ही है। तो पॉइंट यही है कि प्लीज आप लोग देखो कि कौन मजबूर है और किसके लिए क्या करना चाहिए। सिर्फ पैसे दे देना, चलो वो तो करना है, किसी की मजबूरी हमने दे दिया, लेकिन सोचो कि हम उसके लिए ऐसे क्या कर सकते हैं कि वो खुद अपने पैर पे खड़ा हो जाए, भले कम, अरे भाई 25,000 नहीं 10,000 ही सही, 10,000 नहीं 5,000 ही सही, मगर वो खुद कुछ के लिए कुछ कर ले, खुद कर ले, खुद कर ले अपने बलबूते पे। तो प्लीज ये चीज के ऊपर ध्यान दो, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं कोई इतना बड़ा इंसान या मैं कोई अभी मेरा तो ये बोलूंगा तो ऐसा लगेगा उम्र बचपन की और बातें पचपन की, बातें पचपन की है, लेकिन भाई बात में पॉइंट है। अगर आप इस चीज को समझ सकोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अगरबत्ती इंडस्ट्री वाले हैं वो अपने आसपास में अगर ऐसा कोई है तो उनको थोड़ा सा माल दो, उनको सपोर्ट करो, उनको बोलो कि इसको तू बेच के इसका पैसा मुझे वापस देगा और तूने जो मुनाफा कमाया वो तेरा, और फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, उसको थोड़ा सेट कर आगे दे दो। तो प्लीज, नितिन सर तो जिम वाला बंदा था, जिम ट्रेनर था, जब उसने ये चीज कर दिया तो एक अगरबत्ती इंडस्ट्री वाला बंदा क्यों नहीं कर सकता है, या आप जो कोई भी इंडस्ट्री में हो, ये वीडियो सबके लिए है, आप जो कोई भी इंडस्ट्री में हो, जो चीज आप करते हो, जो प्रोडक्ट्स आपके पास है, कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि आप किसी को इस काबिल बना दो कि वो खुद के लिए कुछ कर सके, समथिंग बेटर देन चैरिटी। तो ये वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर करना और ये एक चेन चलाओ, अगर 100 में से कोई एक ने भी ये कर दिया तो हम किसी को इस काबिल बना रहे कि वो खुद के लिए कुछ कर सकता है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ये सब जो है बातें कर देना, लोग बातें कर देते हैं यार मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तो पहले आप खुद के लिए कुछ करो, सबसे पहले खुद के लिए कुछ करो। बहुत से लोग देख रहे होंगे जो बहुत बेचारे कोशिश करते हैं, जो चाहते हैं दूसरों के लिए कुछ करना, लेकिन वो खुद ही उतने कैपेबल नहीं है कि खुद के लिए कुछ कर सके। तो पहले खुद के लिए कुछ करो, अपने आप की पहले मदद करो, अपने आप को इतना फुलफिल बना लो कि आप आगे 4 लोगों की मदद कर सको। तो किसी मान शख्सियत ने कहा है, हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका एक फ्रेज है, उन्होंने कहा है कि डोंट बी अ फिलोसोफर अंटिल यू बिकम ए रिच। इसका मतलब क्या है, खाली बातें मत करो, फिलोसफी मत करो जब तक आपके खुद के पास कुछ नहीं है। तो ये किसने बोला है, ये आप देखो, बहुत बड़े हमारे इंडिया की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है और मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं, तो उन्होंने ये बोला है। तो आप बताओ किसने बोला है, कमेंट करके मुझे इनका नाम बताइए कि वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने ये बोला है कि डोंट बिकम ए फिलोसोफर अंटिल यू बिकम ए रिच। और मेरा मैसेज तो आप लोग समझ ही गए हो, तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप अगरबत्ती इंडस्ट्री वाले हो तो अगरबत्ती का उनको कुछ माल दो, या अगर आप मुझसे माल ले रहे हो, आप हमारा ही माल ले रहे हो, हमारा ही माल अगर आप बेच रहे हो, तो कोई ऐसा बंदा है जिसकी आप मदद करना चाहते हो, हमको बोलो यार ये ऐसा ऐसा मैटर है, हम बताएंगे कि आगे कैसे करना है, उसको कैसे सेट करना है। और अपना माल तो यार बेस्ट है, सेरिश परफ्यूम एक बेस्ट प्रोवाइड करता है, वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट बिकॉज वी आर द बेस्ट। तो अपना माल तो कहीं भी कोई भी लेके जाएगा ना, बहुत इजीली सामने वाला पसंद करेगा और ले लेगा। मेरा माल छोड़ दो, कहीं भी किसी का भी माल, अगरबत्ती इंडस्ट्री में अगर कोई भी है, कहीं से भी काम कर रहा है, यार ये मेन मोटिव है कि किसी को इस काबिल बना दो कि वो खुद के लिए कुछ कर सके, वो अपने आप की मदद कर सके। और डोंट बी अ फिलोसोफर अंटिल यू बिकम रिच, ये बात किसने कही है कमेंट में मुझे आप बताइए। ओके गाइस, चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सबसे मेन है कि ये चीज आप चाहे डिजिटली लोगों को शेयर, यूट्यूब के थ्रू शेयर कर दो, या यूट्यूब से नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट अपनी जबान से, अपने मुंह से
शेयर करना, लोगों को बोलना कि यार हमें करना ये है कि किसी को इस काबिल बनाना है कि वो खुद की मदद कर सके। तो ठीक है, मैं एंड करता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दो।